अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मजेदार रेसिपी चने के दाल के भुते के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। अमूमन घरों में आलू का भुता तो तैयार किया जाता है जो कि बहुत मजेदार होता है, लेकिन अगर आप ये चने के दाल का भुता तैयार करें तो ये भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट ये भुता तैयार होता है। तो इससे पहले कि इस गर्मा गर्म चने की दाल के भुते को कैसे तैयार किया जाता है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ही मजेदार भुर्ता कैसे तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल का भुर्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने चने की दाल ली है और ये तकरीबन 125 ग्राम चने की दाल है, जिसको साफ करने के बाद मैंने एक घंटे से इसको पानी में भिगो दिया था। अब हम इसको सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। यहाँ एक सॉस पैन के अंदर मैंने कम से कम इसमें 3 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, जो कि तेज गर्म हो रहा है। इस पानी के अंदर हम ऐसा करेंगे कि ये चने की दाल सारी डाल देंगे और इसको बॉईल कर लेते हैं कि ये बिल्कुल नरम हो जाए दाल। और इसके साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं। चने की दाल को चेक कर लेते हैं, इसमें जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क होने के करीब है और दाल को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये नरम हो चुकी है। थोड़ा सा जो इसमें पानी रह गया है बस इसको ड्राई कर लेते हैं। दाल में जो पानी है इसको मैंने तेज आंच पे खुश कर लिया है। अब इसका चूल्हा बंद करते हैं और दाल को अब मैं ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। जिस तरह से भी चाहे आप सिल के जो सिल पे भी पीस सकते हैं या आप इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। चने की दाल को ठंडा करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ फ्राई पैन के अंदर अब ऐसा करेंगे कि इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। अब यहाँ मेरे पास एक प्याज है जो मैंने छोटी प्याज ली थी और इसको स्लाइस में कटिंग कर ली है। इस प्याज को इसमें फ्राई कर लेते हैं। प्याज में बहुत ही अच्छा लाइट गोल्डन कलर इसमें आ गया है और प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें ऐसा करेंगे कि यहाँ मेरे पास नमक है जो मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, क्योंकि दाल बॉइल करते हुए भी हमने नमक डाला है। और इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया कुछ मैंने गार्निश के लिए रख लिया है, पुदीने के चंद पत्ते और 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई ये डालना। मेरे पास दही है जो कि इसमें 3 टेबलस्पून इसमें मैं दही का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा से इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखें इसमें दही का जो पानी है ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मसालेदार ये हमारा मसाला इसका तैयार हो चुका है। अब जो दाल हमने बॉयल की है ये सारी दाल इसमें डाल देंगे। इस दाल को इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चने की दाल का ये भुता, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मसाला इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। चने की दाल के भुते को मैंने डिश आउट कर लिया है। जो थोड़ा सा हरा धनिया हमने बचाया था उससे हम इसको गार्निश कर देंगे। चने की दाल का भुता बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और जब कभी गर्मियों के मौसम में कुछ ज़्यादा आपका कुकिंग करने का किचन में दिल ना चाहे तो उस सूरत में आप ये भुता तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहेगा।